नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चावल के आटे से बनाए जाने वाले बहुत ही ज्यादा खस्ता चिप्स की रेसिपी, जिसे आप जब तक चाहें स्टोर भी करके खा सकते हैं और घर में सभी कोई को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और एकदम घर में पड़े कुछ ही सामानों से मैं बना के दिखाने वाली हूँ, तो आप वीडियो में पूरे बने रहिएगा, कहीं से भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा ज्यादातर रेसिपी पापड़ चिप्स का ही होता है। तो आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, चावल ली हूँ। आप जितना भी चावल का आटा तैयार करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चावल ले सकते हैं। और चावल कौन सा लेना है, तो चावल हमें अरवा लेना है, जो कच्चा चावल होता है, जो सफेद सफेद सा होता है। तो ये चावल से ही आप आटा तैयार कर सकते हैं घर में। और यदि आपके पास चावल का आटा है तो भी आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि चावल से आटा तैयार करेंगे, क्योंकि चावल का आटा हर हमेशा घर में होता नहीं है, लेकिन इस टाइप का चावल हम लोगों के घर में जरूर होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका आटा बनाने का तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा, मैं जब भी जिस भी समय वीडियो डालूंगी तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा और आप हमारे वीडियो को देख पाएंगे। चावल का आटा तैयार करने के लिए हमें चावल को थोड़ा सा कपड़ा से पोंछ के क्लीन करना होगा, क्योंकि ये धुला हुआ चावल नहीं है। आप पहले से चावल का आटा तैयार करके रखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो उस तरीके से आप घर में चावल का आटा बहुत सारा बना के रख सकते हैं। आटा से आप चिप्स बनाए, पापड़ बनाए, कोई भी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो सारे चावल को डाल लेना है, कोई भी आप मोटा कपड़ा ले सकते हैं कॉटन, और इसको क्या करेंगे, अच्छे से इस तरीके से रगड़ के पोंछेंगे। चावल के ऊपर जो पॉलिश सा होगा वो पॉलिश सारा निकल जाएगा और चावल एकदम क्लीन हो जाएगा, लगेगा कि ये धुला हुआ ही चावल है। देखिए इस तरीके से, देखिए कितना साफ ये चावल हो गया है। यहाँ पर लेना है मिक्सर जार और इसमें डाल देंगे चावल को और बहुत अच्छे से एकदम बारीक करके इसको पीसेंगे। एक बार पीस के और फिर इसको छन्नी में छान लीजिए, बारीक वाला छन्नी में, और फिर बचे हुए चावल को दोबारा से पीस के बहुत अच्छे से एकदम बारीक करके चावल का आटा तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए, चावल के आटा को बहुत अच्छे से तैयार कर ली हूँ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे के पीसिएगा तो ये बारीक होगा। और आटा जो है, कोशिश कीजिएगा कि आटा हमारा हो बहुत ही अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए, तभी आप इसका चिप्स जो बनाएंगे वो अच्छा बनेगा, ज्यादा हार्ड नहीं बनेगा, खस्ता बनेगा। तो अभी क्या करेंगे, इसको बारीक वाला छन्नी से छान के और आटा निकाल लेंगे, और जो मोटा रह गया होगा, जो नहीं पिसा होगा चावल, उसे वापस से बचे हुए चावल के साथ पीस के, और जितना आपको चावल का आटा तैयार करना है इस हिसाब से आप आटा तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, जो बारीक वाला आटा निकला है उसका यूज करेंगे, और ये आटा थोड़ा सा मोटा है, दरदरा है, तो इसको बस इतना ही छानने के बाद हटा देंगे और फिर से इसको मिक्सर जार में डाल के और इसका अच्छा सा तैयार करेंगे आटा। थोड़ा चावल इसमें और मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा चावल डालते हुए अच्छा से बारीक करके आटा को निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दोबारा में पीस के और अच्छे से अब आटा को छानेंगे, और देखिए अभी भी ये मोटा मोटा सा रह गया है तो इसको हटा देना है। तो देखिए, यहाँ पर इतना आटा हमारा बनके तैयार हो गया है, करीब 1 कप आटा है। तो सारे ही आटे से बनाऊंगी आज मैं चिप्स, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनता है, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही बनाना है, और ये कम चावल का आटा से बहुत ज्यादा बन जाएगा। तो आप देख लेंगे आपको कितना बना के रखना है, उसी हिसाब से आटा लीजिएगा। अभी आटा के अंदर डालना है हमें तेल, एक चम्मच इसमें तेल डाल लेती हूँ, क्योंकि ये चम्मच जो है थोड़े बड़े साइज का है, और बहुत ज्यादा इसके अंदर तेल भी हमें नहीं डालना है, नहीं तो क्या होगा, ये चावल का आटा है तो बिखरेगा इसका चिप्स। तो एक चम्मच ही इसमें हमें तेल डालना है, और तेल को फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि गर्म करके ही डालना है, ठंडा तेल हमें नहीं डालना है। तो कढ़ाई में तेल को डाल दी थी पहले से, जिसमें कि चिप्स बनाएंगे तो वो गरम तेल हो चुका था, तो इसमें 1 चम्मच तेल डाल के
और चेक कर रही हूँ। तो देखिए ये बहुत अच्छे से हो चुका है। जितना हमारा आटा है उस अनुसार से मैं सामग्री ऐड कर रही हूँ। आप ज्यादा बनाएंगे तो इसमें सारे चीज ज्यादा करके डालिएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि आटा कितना है, तो आप समझ गए होंगे। तो इसी हिसाब से आप जैसे इसका डबल लेंगे आटा, तो आप 2 चम्मच इसमें तेल और सारे चीज जितना इसमें ऐड करूंगी सारे का मात्रा बढ़ा लीजिएगा। अब हल्का सा इसको दबा के देखने से देखिए बहुत अच्छे से बंध रहा है 1 ही चम्मच तेल में। तो अभी इसमें डालेंगे, पहले सबसे पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। नमक अभी डालने से इसका जो है मात्रा एकदम अच्छे से समझ में आएगा और ज्यादा नमक इसके अंदर नहीं होगा। आप इसमें सादा नमक, काला नमक दोनों डाल सकते हैं या एक भी नमक से आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें डालेंगे चुटकी भर अजवाइन। अजवाइन को हल्का सा क्रश करते हुए डालेंगे। ये सब मसाले डालने से फिर चिप्स का जो असली स्वाद है वो आएगा। ये है कलौंजी, कलौंजी भी इसमें डाल देते हैं। और चावल के आटा के अंदर मात्र 2 चम्मच के जितना डालेंगे बेसन। बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें, मात्र 2 चम्मच, वो भी छोटे वाले चम्मच से, क्योंकि आटा का जितना हिसाब किताब है बस उतना ही से इसमें बेसन भी डाली हूँ। आप 2 कप आटा ले रहे हैं तो आप 4 बड़े चम्मच इसमें बेसन डाल दीजिएगा। बेसन नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा, लेकिन बेसन डालने से इसमें स्वाद जो है और ज्यादा बढ़ जाएगा। चिप्स में डालने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ मसाला, क्योंकि ये वाले चिप्स में बहुत ज्यादा सूखा मसाला या पिसा हुआ मसाला यूज नहीं करते हैं। कुछ हल्का फल्का सा मसाला जाएगा, वो भी स्वाद वाला मसाला जो कि बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो यहाँ पर देखिए हरी मिर्ची और हरा का ही जो लाल हो जाता है वो 2 मिर्ची ली हूँ, तो 4 मिर्ची यहाँ है। तो इसको पूरा नहीं यूज करेंगे, अंदाज से डालेंगे। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता है और 1 अदरक का टुकड़ा है। तो फ्रेंड्स आप लहसुन खाते हैं तो अदरक और लहसुन दोनों का पेस्ट आप डालिएगा, बहुत ही ज्यादा स्वाद लगेगा। तो अभी क्या करेंगे कि मिर्ची को और कड़ी पत्ता को अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो ये सब चीज आपको दिखाना बहुत जरूरी है, तभी आपके जो चिप्स हैं खस्ता बनके तैयार होंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट कर लेना है और ऐसे ही मिर्ची को भी बारीक बारीक कट कर लेंगे। तो मिर्ची को बीच से चीरा लगा के बस थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी घाटा का सौदा नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ अलग हटके रेसिपी लाती हूँ जिसमें पापड़ चिप्स कहीं ज्यादातर हमारा रेसिपी होता है, जो कि हर घर में हर दिन खाना पसंद होता है पापड़। खाना में एक पापड़ मिल जाए तो बिना सब्जी का भी आप खा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसी तरीके से मिर्ची को बारीक करके और अदरक को कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मिर्ची को कट कर ली हूँ और बड़ा साइज का मिर्ची था तो दोनों में से एक एक ही ली हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा तीखा हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे करी पत्ता और मिर्ची, इससे जो चिप्स है बहुत ही ज्यादा अच्छा बनेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, मिर्ची जब फ्राई होगा। तो अभी करेंगे कद्दूकस अदरक को, तो जो अदरक कसने वाला है इसी से कद्दूकस कर लेते हैं। आप लहसुन खाते हैं तो अभी आप यहाँ पर लहसुन का पेस्ट इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए अदरक 1 इंच का करीब टुकड़ा इसमें डाली हूँ, क्योंकि इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है चिप्स के अंदर। अब सारे चीज को एक बार मिक्स करेंगे और इसमें सामग्री क्या ऐड करना है मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स आप हमारे बनाए हुए पापड़ की रेसिपी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मी सहेली पापड़ रेसिपी, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे जो कि मैं पहले बना के डाली हुई हूँ। आप हमारे कोई भी वीडियो देख के पापड़ बना सकते हैं, कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये है मूंग दाल, फुला हुआ मूंग दाल। मूंग दाल भी चिप्स के अंदर ऐड करेंगे, तो इसमें से 1 चम्मच मूंग दाल डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे चिप्स थोड़ा हेल्दी भी हो जाएगा और खाने में इसका जो स्वाद है वो भी दोगुना हो जाएगा और चिप्स हमारा बहुत ही अच्छा खस्ता भी बनेगा। मूंग दाल डालने, आप मूंग दाल की जगह उड़द दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे दाने वाले कोई भी दाल आप डाल सकते हैं। तो देखिए अभी दाल डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा आटा जो है देखिए इसमें बहुत सुंदर लग रहा है, मसाला मसाला सा, सारे कलर का मसाला। तो अभी हमारा आटा जो है तैयार हो चुका है, इसे रखते हैं साइड में। अब यहां ले लेना है एक बर्तन और फ्रेंड्स इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी डालेंगे।
थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, यदि बच जाए तो हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं है कि एक ग्लास ही। तो यहाँ पर इतना पानी डाल के और पानी को अच्छे से गर्म होने देना है हमें चूल्हा पर। तो चलिए इसको गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी गर्म हो चुका है, अब इसी गर्म पानी से आटा को गूंथना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए गूंथिए, जिससे कि आटा चावल का है तो थोड़ा ये चिपचिपा होगा। आटा को बहुत ज्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे और पानी डालते हुए आटा को अच्छे से लगाएंगे। चावल का आटा जो है बहुत ज्यादा पानी सोखता है, तो आप एक बार पूरा पानी डाल देंगे तो ये चिपचिपा नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, पानी गर्म ही होना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से हमें गूंथना है, और देख पा रहे हैं अभी आटा आपको गीला गीला सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मिलाऊंगी आटा अच्छे से सख्त हो जाएगा। ये चावल का आटा का चिप्स बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और बाजार वाले चिप्स भी इसके आगे जो है फीके पड़ेंगे, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आटा लगाने के बाद आटा थोड़ा सा सॉफ्ट ही है, अब इसमें ढक्कन लगा के इसको छोड़ेंगे 10 मिनट के लिए। तो ये काम जरूर करना है, तभी हमारा जो चिप्स है वो खस्ता बनेगा। आटा को छोड़े 10 मिनट हो चुका है, अब इसको एक बार चेक करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं छोड़िएगा। तो देखिए अब आटा बहुत अच्छे से सेट हो गया है, और आटा को बहुत ज्यादा टाइट नहीं रखेंगे। चावल का आटा है, बहुत ज्यादा टाइट रखेंगे तो फिर इसका चिप्स जो है अच्छे से आप बना नहीं पाएंगे। देखिए आटा को इस तरीके से रखिएगा। तो चलिए अब चिप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। चिप्स बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चिप्स का साइज बड़ा छोटा जैसा रखना चाहते हैं उस टाइप से आप बना सकते हैं। तो छोटा छोटा सा यहाँ पर चिप्स बना रही हूँ, तो इतना बड़ा बड़ा हमें गोला तोड़ लेना है। आप चाहें तो इसको बेल के भी बना सकते हैं, लेकिन बेलने से ज्यादा अच्छा चिप्स ऐसे बनेगा और जल्दी भी बन जाता है। देखिए इसी तरीके से हमें एक समान गोला तोड़ लेना है। चिप्स बनाने के लिए आप कोई सा भी पॉलीथीन ले सकते हैं छोटा टुकड़ा, और इसमें थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा। दो टुकड़ा पॉलीथीन या एक बड़ा साइज का ले सकते हैं, जैसा मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। तेल लगा के इसको चिकना कर लेना है, जिससे कि चिप्स बहुत ही आसानी से निकल जाए इसके ऊपर से। और एक गोला यहाँ पर रखेंगे और ऊपर से पॉलीथीन को डाल के, और ऐसा वाला एक बर्तन आप ले लीजिएगा कटोरी, और इससे हमें चिप्स को इस तरीके से एकदम से पतला करना है। तो फ्रेंड्स ये चावल का चिप्स है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पतला करके बनाना है, तो चिप्स आपके बहुत ही ज्यादा खस्ता बनके तैयार होंगे। देख पा रहे हैं इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा बनके और ये तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से चिप्स निकल भी जा रहा है पॉलीथीन के ऊपर से। तो आप चाहें तो पहले बना बना के रख लें, और चाहे तो बनाते जाएं और कढ़ाई में डालते जाएं, तो आप देख लेंगे आपको कैसा सुविधा लगता है। तो इसी तरीके से पहले थोड़ा सा चिप्स को बना लेती हूँ, उसके बाद फ्राई करते जाएंगे। जब एक बार का चिप्स हमारा फ्राई होगा तो फिर दूसरे बार का चिप्स को इसी तरीके से बना के और रखते जाएंगे। तो जब आप चिप्स बना रहे हैं तो पॉलीथीन के ऊपर ही रखिएगा, इससे निकालने में आपको आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स इतना सारा चिप्स हमारा बन गया है, अब आपको फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। तेल को चढ़ा दी थी पहले से गर्म होने के लिए, थोड़ा सा आटा डाल के तेल को चेक करना है। तो देखिए तेल जो है गर्म हो चुका है, और आंच को मीडियम रखिएगा शुरू में। तो अभी इसमें चिप्स डालते हैं, पॉलीथीन के ऊपर से उठाइए और आराम से चिप्स को तेल में डालिए। और एक तरफ से इसको अच्छे से होने दीजिएगा, जब ये तेल के ऊपर आएगा फिर इसको दूसरे तरफ से पलटेंगे, और अलट पलट करते हुए अच्छा गुलाबी होने तक चिप्स को फ्राई करना है। ध्यान रखिएगा आंच को मीडियम रखना है, लो फ्लेम पर चिप्स को फ्राई नहीं करना है, क्योंकि ये चावल का चिप्स है तो इसके अंदर बहुत ज्यादा तेल भर जाएगा, और अच्छा जब खस्ता हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद लग जाएगा ना कि चिप्स
हमारा खस्ता हो चुका है। इसी तरीके से इसको लगातार अलट पलट करते हुए और फ्राई करेंगे। और बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। हमें वीडियो बनाना होता है तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा करके अच्छे से समझाती हूँ। जब आप घर में बनाएंगे तो झटपट से बना के रख सकेंगे। चिप्स को आप 2 महीने तक भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ गया ही नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यदि लहसुन डाल के बनाएंगे तो ये चिप्स बहुत ज़्यादा दिनों तक आप नहीं रख पाएंगे, तो इसके लिए इसमें लहसुन का इस्तेमाल नहीं की हूँ, सिर्फ अदरक। अदरक डाल के आप बनाएंगे तो लंबे समय तक रख पाएंगे। और सन ड्राइड चिप्स चाहिए आपको चावल के आटे का, तो आप YouTube पर सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं, मी सहेली चावल के चिप्स रेसिपी करके आप सर्च कर लेंगे। तो इसी तरीके से अलट पलट करते हुए इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए चिप्स में बहुत प्यारा सा कलर आ गया है, तो इसको निकाल लेंगे तेल से बाहर। बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है और इसी तरीके से हमें सारे चिप्स को बारी बारी करके फ्राई करना है। तो किनारे में इसको कर लीजिए, थोड़ा देर इस तरीके से रखिए आराम से, जो इसका एक्स्ट्रा तेल है वो सारे तेल निकल जाएंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा ये लग रहा है। और सारे चिप्स को बना के और डाल दी हूँ ठंडा होने के। जब भी आप बनाइएगा तो एकदम पतला पतला बनाइएगा, तभी ये खस्ता होगा, नहीं तो ये खस्ता नहीं होगा। तो जो चिप्स ठंडा हो चुका है आपको तोड़ के भी एक चिप्स दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला चिप्स जो है ठंडा हो चुका है, इसको सबसे पहले बनाए थे। देखिए बहुत ही ज्यादा ये खस्ता बनके तैयार हुआ है। चिप्स बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना है, तो आप इसको बना के रखिए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।